हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 7 5G स्मार्टफोन्स के बारे में, जो कि अंडर 20,000 आते हैं और काफी बेहतरीन फीचर से आते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो फ्रेंड्स, टॉप 7 5G स्मार्टफोन्स की इस लिस्ट में नंबर 1 पे हमने रखा है IQ Z3 5G स्मार्टफोन को, जो कि आता है दोस्तों स्नैपड्रैगन 768 5G चिपसेट के साथ में, जो कि काफी पावरफुल चिपसेट है। और दोस्तों, इसमें आपको रियर में 64 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरा मिलते हैं। फ्रंट कैमरा आपको यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। स्क्रीन साइज की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.58 इंच की फुल HD प्लस स्क्रीन दी गई है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलती है 4400 mAh की बैटरी और साथ में आपको 55 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। 6GB रैम और 128GB की शुरुआती वेरियंट के साथ आपको मिलता है अंडर 20,000। काफी बेहतरीन स्मार्टफोन है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं अगले स्मार्टफोन की, जो कि इस लिस्ट में नंबर 2 पे हमने रखा हुआ है MI 10i 5G स्मार्टफोन। दोस्तों, ये एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है और 108 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरा के साथ आता है। काफी बेहतरीन ये स्मार्टफोन है। 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2+2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ कैमरा आपको मिलते हैं। दोस्तों, ये स्मार्टफोन आता है 5G चिपसेट के साथ में। स्नैपड्रैगन 750 का 5G चिपसेट आपको यहाँ पर मिलता है और 6GB 128GB के शुरुआती वेरियंट के साथ आपको अंडर 20,000 मिल जाएगा। स्क्रीन साइज की बात करें तो 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस स्क्रीन है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। और दोस्तों, बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलती है 4820 mAh की बैटरी और साथ ही आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जर भी इन द बॉक्स मिल जाता है। काफी बेहतरीन स्मार्टफोन बेहतरीन डिजाइन के साथ आपको मिलता है अंडर 20,000। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन की, जो कि नंबर 3 पे हमने रखा है Realme X7 5G स्मार्टफोन। काफी बेहतरीन डिजाइन के साथ आने वाला है स्मार्टफोन। 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED स्क्रीन के साथ आता है और दोस्तों यहां पर आपको Dimensity 800U का 5G चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 5G प्रोसेसर है। और यहां पर आपको 50 वॉट की सुपर डट फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। बैटरी कैपेसिटी आपको यहां पर मिलती है 4300 mAh की और ये स्मार्टफोन आता है 64 मेगापिक्सल की क्वाड रियर कैमरा के साथ में। 64MP का मेन कैमरा है, 8MP अल्ट्रा वाइड, 2+2 का मैक्रो एंड डेप्थ कैमरा आपको मिलता है। 6GB और 128GB के शुरुआती वेरियंट के साथ ये स्मार्टफोन आपको मिलता है अंडर 20,000। काफी बेस्ट स्मार्टफोन है। लिंक आपको इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नंबर 4 पे हमने रखा है दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M42 5G स्मार्टफोन को। काफी बेहतरीन स्मार्टफोन है और सैमसंग की तरफ से आने वाला अंडर 20,000 ये बेस्ट स्मार्टफोन है। 6.6 इंचेस की HD प्लस AMOLED डिस्प्ले आपको मिलती है, साथ ही आपको 5G चिपसेट मिलता है। 750 स्नैपड्रैगन नॉक सिक्योरिटी के साथ आता है। काफी बेहतरीन यहाँ पर आपको बैटरी मिलती है 5000 mAh की। हालांकि यहाँ पर आपको 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग ही देखने को मिलती है, लेकिन ये स्मार्टफोन काफी प्रॉमिसिंग फीचर के साथ दिया गया है। कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरा दिए गए हैं, साथ ही आपको यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। 6GB रैम और 128GB की इंटरनल मेमोरी के साथ ओवरऑल ये स्मार्टफोन भी काफी बेहतरीन है और अंडर 20,000 काफी अच्छे फीचर के साथ दिया गया है। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस लिस्ट में नंबर 5 पे हमने रखा है Realme Narzo 30 Pro 5G स्मार्टफोन को। काफी बेहतरीन स्पेक्स के साथ ही आने वाला स्मार्टफोन आपको मिलता है अंडर 20,000। इस फोन में आपको मिलती है 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग, 5000 mAh की बैटरी। साथ ही बात करें इसके प्रोसेसर की तो यहाँ पर आपको मिलता है MediaTek Dimensity 800U प्रोसेसर, जो कि एक 5G चिपसेट है। और स्क्रीन साइज की बात करें तो 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस स्क्रीन है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। रियर कैमरा आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। डुअल बैंड 5G स्मार्टफोन के साथ आता है और साइड फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको इसमें मिलता है। रैम रोम की बात करें तो आपको मिलती है 8GB रैम और 120GB की इनबिल्ट मेमोरी। ये स्मार्टफोन भी काफी बेहतरीन परफॉर्म करने वाला स्मार्टफोन है। दोस्तों, ये स्मार्टफोन भी आप ले सकते हैं अंडर 20,000। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर 6 पे हमने रखा है दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A22 5G स्मार्टफोन को। दोस्तों, ये एक न्यूली लॉन्च्ड स्मार्टफोन है और हाल ही में सैमसंग ने इसे इंडिया में लॉन्च किया है। बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन की, तो यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है। दोस्तों, काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर के साथ ये आता है। दोस्तों, अंडर 20,000 ये भी एक अच्छी चॉइस हो सकती है। यहाँ पर आपको USB टाइप सी और 15 वॉट का फास्ट चार्जर मिल जाता है। अच्छी बात ये है कि ये आता है ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ में, जहाँ पर आप 2 नैनो सिम और 1 माइक्रो SD कार्ड यूज कर पाएंगे। मेमोरी आप बढ़ा सकते हैं 1 TB तक। फ्रंट कैमरा आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का और साथ ही यहाँ पर आपको रियर में
48 मेगापिक्सल्स के ट्रिपल रियर कैमरा दिए गए हैं 48, 5 और 2 मेगापिक्सल्स के। USB Type-C और 3.5mm जैक भी आपको मिल जाता है। साथ ही आपको फोन के राइट साइड में पावर बटन में ही फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ये स्मार्टफोन आता है MediaTek के 700 Dimensity प्रोसेसर के साथ में, जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है और काफ़ी सारे 5G बैंड को सपोर्ट करता है। यह स्मार्टफोन आपको मिलता है 4 कलर्स में और यहाँ पर आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है। साथ ही आपको 15W की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों, इस फोन में आपको मिलती है 6.6 इंचेस की फुल LG प्लस डिस्प्ले, जो कि एक TFT डिस्प्ले है और इन्फिनिटी वी शेप के साथ आती है। साथ ही आपको दोस्तों ये स्मार्टफोन 8GB रैम और 128GB वेरिएंट के साथ मिल जाएगा। कीमत है दोस्तों 19,999 रुपये, तो ये भी एक अच्छी चॉइस है। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और दोस्तों, इस लिस्ट के लास्ट में हमने रखा है न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन को, Redmi Note 10T 5G। काफ़ी बेहतरीन स्मार्टफोन है और इसके आपको दो वेरिएंट मिल जाते हैं, 4GB में भी और 6GB में भी। बात करते हैं इस स्मार्टफोन के, तो ये स्मार्टफोन आता है MediaTek के Dimensity 700 चिपसेट के साथ में, जो कि एक 5G चिपसेट है, लगभग सारे ही 5G बैंड को सपोर्ट करता है। स्क्रीन साइज की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की फुल एचडी प्लस स्क्रीन, 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है, 5000mAh की बैटरी मिलती है दोस्तों और 22.5W का फास्ट चार्जर भी आपको इन द बॉक्स देखने को मिल जाता है। रैम रोम की बात करें तो ये आता है दोस्तों 4GB और 64GB के शुरुआती वेरिएंट में और आपको यहाँ पर 6GB और 128GB वाला वेरिएंट भी मिल जाएगा। USB Type-C 3.5mm ऑडियो जैक और साइड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ये स्मार्टफोन आता है। 48 मेगापिक्सल्स के ट्रिपल रियर कैमरा दिए गए हैं और 8 मेगापिक्सल्स का फ्रंट कैमरा आपको इस स्मार्टफोन में मिलता है। ये स्मार्टफोन भी दोस्तों अंडर 20,000 काफी बेहतरीन स्मार्टफोन है और इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 7 बेस्ट 5G स्मार्टफोन जो कि अंडर 20,000 आते हैं और आपको इन सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इनका करंट प्राइस और अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए टेक्निकल एनजी। जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।